स्वागत है दोस्तों आप सभी का वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर सीटेट का पेपर आपका 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच में है और ऐसे में यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आपको आज से मिलने शुरू हो गई हैं। ये पहला आपका लेक्चर है ऐसे में बाल मनोविज्ञान के 30 सवालों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। कल से पूरी संभावना है कि आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, वहाँ पर मैं अपडेट दे दूंगा कि क्लासेस की टाइमिंग्स क्या कुछ होंगी और ऐसे में हम लाइव क्लासेस जो है वो करेंगे आपके सी टेट को लेकर के। सी टेट का एडमिट कार्ड आपका 11 दिसंबर 2021 को संभावित है आना, तो पूरी तरीके से तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ में। पहला सवाल इन्होंने दिया हुआ है बाल मनोविज्ञान में कि कक्षा में प्रभावशाली व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, आंखों से संपर्क स्थापित करना चाहिए। देखिए इसमें इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है इसमें, वाइल गिविंग इफेक्टिव लेक्चर्स इन द क्लास अ टीचर शुड, उसे क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो इसमें लिखा है अर्थपूर्ण भाव प्रदर्शित करने चाहिए, व्याख्यान स्टैंड पर खड़े होकर के रखना चाहिए, सीधे खड़े रहना चाहिए ऐसा इन्होंने बोला हुआ है, आवाज़ की तीव्रता को बदलते रहना चाहिए। जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। कहने का मतलब ये है स्टैंड पर खड़े होने की बात अगर आप करते हो ऐसे में, या फिर आप अगर आवाज़ की तीव्रता में बदलते बदलाव की बात करते हो, आरोह अवरोह की बात करते हो, उन सभी से जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसका मतलब बच्चे को समझ में आए, जो आप व्याख्यान दे रहे हैं, जो आप एक कोई भी आप डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं उसका मतलब बच्चे को समझ में आए। तो हमारा जो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक और सवाल की तरफ आपको हम लेकर के चलते हैं। बी क्वेश्चन में लिखा है छात्रों में वांछित व्यवहार में संशोधन हेतु सबसे प्रभावशाली विधि इनमें से कौन सी होगी। वांछित व्यवहार मतलब ऐसा व्यवहार जिसे आप चाहते हो चेंज करना, ठीक है, तो वांछित व्यवहार में संशोधन लिखा हुआ है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, जो भी उसमें दिक्कतें समस्याएं हैं उसको ऐसे में आप खोजोगे। खोजने की चीज़ें जो है वो डायग्नोस करना कहलाती हैं, जिसे हम लोग डायग्नोस्टिक टीचिंग बोलते हैं ऐसे में, निदानात्मक, और उसके बाद क्या करते हो आप उसका रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से उपचार करते हो। तो जो सबसे करेक्ट होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फाइंडिंग एंड डायग्नोस्टिंग द काज ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। हम आगे लेकर के आपको चलते हैं, एक को छोड़ करके बाकी सब उदाहरण है सम मिश्रण का उदाहरण इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। निबंध लिखना बोला है, व्याख्यान देना, प्रमेय सिद्ध करना और चित्र रंगना की बात की है, मतलब ऑड वन आउट करके बोलते हैं ना जिसे, वही आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, लिखा है व्याख्यान की बात हमेशा उच्च कक्षाओं में होती है ना कि प्राथमिक कक्षा में। यहाँ पर किसी भी तरीके से व्याख्यान वाली बातें जो है वो आप प्राथमिक कक्षा में लेकर के बात नहीं करेंगे। हम आपको इस तरीके से इन्हीं जो आपका 16 तारीख से पहले इतने टैग वर्ड्स आपको बता देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर के बात करूं, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के बात करूं, केवल उन टैग वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को अपने एग्जाम हॉल में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। तो ये किसी भी तरीके से आपका यहाँ पर व्याख्यान की बात नहीं जुड़ेगी, आंसर आपका बी हो जाएगा। कर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में किन विषयों से सहायता ली है, भौतिक शास्त्र, ज्यामितीय शास्त्र बोला है, गणित बोला है, या फिर इनमें से सभी। कर्ट लेविन के अगर मैं सिद्धांतों की बात करूँ तो इनमें से जो सहायता ली गई है वो आपका क्या है, बी पॉइंट है। इसमें स्थान या संस्थिति करके बोला हुआ है जिसे हम टोपोलॉजी कहते हैं, और यहाँ पर स्थान या संस्थिति का मतलब क्या है, इस प्रत्यय का संबंध ज्यामिति से होता है और इसके अंतर्गत ज्यामितिक संरचनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। कहते हैं कि संस्थिति ज्यामिति के उस भाग को कहते हैं जो कि उन तत्वों की खोज या पता लगाता है जो निरंतर परिवर्तन के समय में भी परिवर्तनशील होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी तक आप इसका केवल आंसर करते आए थे कि ये ज्यामिति शास्त्र करके है, अभी आपने इसका मतलब भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं एक आदर्श अध्यापक कौन होता है, जो पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाए, फिर इन्होंने क्या बोला हुआ, अपने छात्रों को सीखने में मदद करे, एक दोस्त, दार्शनिक और पथ प्रदर्शन। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, दोस्त भी रहे, एक दार्शनिक प्रकार का भी रहे, पथ को दर्शाने वाला रहे। तो हम अपना आंसर यहाँ से सी लगा देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। लिखा है अध्यापक सफल है यदि वह अपने विषय को अच्छे से जानता है, 100% परिणाम दे, छात्रों को खुश रखे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपका सेटिस्फैक्शन, आप कितनी हद तक सेटिस्फाई हो। अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ बता रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो मेरी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आपको चीज़ें कितनी हद तक समझ में आई हैं। तो छात्रों को खुश रखें मतलब उन्हें सेटिस्फाई रखें, उनकी चीज़ें जो हैं वो
उनकी ज़रूरतें जो हैं उन्हें पूरा करें। ठीक है, वही चीज़ देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा हुआ है। कहते हैं इसमें से स्टेटमेंट कौन सा आपका करेक्ट होगा। 7 नंबर में कहते हैं शिक्षण एक कला है, एक विज्ञान है, शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है या फिर इनमें से सभी। तो भाई शिक्षक को भी ट्रेंड किया जाता है, सही है। साइंस और आर्ट आप दोनों ही कह सकते हो इसे, तो कोई समस्या नहीं है अगर मैं यहाँ से आंसर अपना डी लिखूँगा। हम चलते हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मैं बहुत सारी बातें जो है लाइव क्लासेस में आपको बताता चलूँगा, ये तो फिलहाल रिकॉर्डेड है, उसमें मैं आपको बताता चलूँगा कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपके सीटेट के पेपर में नहीं वाले स्टेटमेंट्स बहुत पूछता है। इस बार ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो भी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अच्छी जानकारी देने वाले के पास अच्छी समझ होती है, ये तो बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ स्टेटमेंट। अच्छी जानकारी देने वाले के पास भाषा पर पकड़ होती है, ये भी सही है। अच्छी जानकारी देने वाला कभी भी अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। क्यों भाई, अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है तो अध्यापक अच्छा क्यों नहीं हो सकता? ये बात तो गलत लिखी हुई है। यही हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल में आपसे कहते हैं कि अध्यापक के रूप में आपके समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है, जो एक सबसे बड़ी चुनौती होगी जिसे आपको ऐसे में हैंडल करना है। हर्डल कौन सा है जिसको आपको हैंडल करना है? प्राचार्य प्राचार्या को खुश करना सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे कितनी अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इंटरेस्टिंग हुआ, बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो पढ़ेगा तो अधिगम होगा तो ऑब्वियसली ज्ञान का अर्जन और आगे की सारी चीज़ें संभव होंगी। सही जवाब भी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पे हम आपको लेकर के चलते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण हेतु निम्नलिखित में से क्या ज़रूरी नहीं है? रोचक व्यक्तित्व, स्पष्ट आवाज, उपयुक्त भाव प्रदर्शन, ये विषय वस्तु में विशेषज्ञता की बात की हुई है। एक इफेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन सी जरूरी नहीं है? तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं जरूरी क्या नहीं है, इन्होंने कहा व्यक्तित्व जरूरी नहीं है, तो ऐसे में क्यों जरूरी नहीं है? चूंकि व्यक्तित्व जो है वो बाह्य और आंतरिक प्रकार का होता है, इसमें बाह्य व्यक्तित्व का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसीलिए जो इन्होंने आंसर चुना है यहाँ पे वो आपके व्यक्तित्व को लेकर के, यानी रोचक व्यक्तित्व, व्यक्तित्व दो प्रकार का, बाह्य व्यक्तित्व का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना। हाँ नहीं, अब डोले शोले निकाल लो ऐसे में, थोड़ा सा और ज़्यादा वो हो जाओ तो वो भी व्यक्तित्व होता है। कहते उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी, आपने कहते हुए सुना होगा, तो पर्सनालिटी यहाँ पे जो वर्क करेगी वो इंट्रेंसिक पर्सनालिटी होगा। ठीक है, जो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभाव ज़्यादा डालेगा। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं, एक संपूर्ण अध्यापक वह हो सकता है समय से पाठ्यक्रम को पूरा करे। देखिए फिर से आ गया, जो छात्रों की विषय में रुचि पैदा करे, सबसे बढ़िया टीचर वही है। आप हमसे पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लगा, फिर से आप बाल मनोविज्ञान बाल विकास हमसे पढ़ने आओगे, फिर से UVS हिंदी आप पढ़ने आओगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को? जी, तो सबसे बड़ी चीज़ है इंटरेस्ट को जगाना। नेक्स्ट है, कौन सा उदाहरण एक अच्छे अध्यापक का है? एक अच्छे अध्यापक का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर कई सारी बातें लिखी हैं। लिखा है वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय छात्रों के साथ व्यतीत करें। सबसे बड़ी चीज़ है छात्रों के साथ में, चूँकि आप टीचर हैं, टीचर का काम ही है, शिक्षक का काम ही है शिक्षा देना। शिक्षा किसको देना? जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें शिक्षा देना। तो आपका नेता नगरी से, स्कूल प्रबंधन से, वेतन ज़्यादा होने से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो आपका सही जवाब यहाँ से सी वाला हो जाएगा। एक और सवाल पर हम आपको लेकर के चलते हैं। इन्होंने कहा एक अध्यापक के रूप में आप संतोष महसूस करेंगे, आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ अब हमें इस बात का हमें अब संतोष मिला है कि क्या, अगर आप क्या करेंगे ये कि आपके छात्र जीवन में सफल होंगे। देखिए इन्होंने बताया हुआ है, बिना किसी देरी के सीधे सीधे मैं आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ। मुझे लगेगा कि आप सफल हुए, सीटेट में आप पास हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने मुझसे पढ़ाई की थी, आपने इन टीचर्स से पढ़ाई की थी और इनके ही हेल्प से ये एक मार्गदर्शक के रूप में थे और आप आगे बढ़े। तो आपका सही जवाब यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको हम लेकर के चलते हैं। कहते हैं पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ अन्य गतिविधि स्कूल में रविवार को आयोजित की जाती है, ऐसे में आप क्या करोगे? निश्चित रूप से हिस्सा लेंगे, उपस्थित न होने के लिए बहाना बनाएंगे। अगर आप बहाना बनाओगे तो स्कूल में जाएगा कौन? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, ये उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर नहीं हुए तो कौन देखेगा वहाँ पे? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्त कि आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह समय से पहुँचे। सही जवाब पहला हो जाएगा। एक अध्यापक की क्षमता योग्यता का आकलन किया जा सकता है, कैसे? जी हाँ, उनके छात्रों को जीवन में सफलता, वो कितने हद तक सफल हुए, सक्सेसफुल हुए, वही मापक है एक टीचर की सफलता का भी या टीचर की क्षमता या योग्यता का भी। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। लिखा है एक पाठ्य पुस्तक
एक अध्यापक हेतु महत्वपूर्ण यंत्र होता है ऐसा माना जाता है, लेकिन एक पाठ्य पुस्तक अच्छी है जब कब अच्छी है, उसमें रंगीन चित्र हो, बहुत सारा अभ्यास हो, तार्किक सोचने की क्षमता हो या उसमें सभी विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी हो। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है हम बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किए और हम उनमें ये जगा दें क्या तर्क करने की क्षमता। ये हुआ तो क्यों हुआ, हम सोचने की क्षमता अगर पैदा कर दें कि बेटा सोचो कि अगर ये पेड़ से फल गिरते हैं तो नीचे ही क्यों गिरते हैं, ये ऊपर क्यों नहीं चले जाते, ये हवा चलती है, ये पत्तियां उड़ती हैं क्यों उड़ती हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हमने कहीं ना कहीं इन सोच को अगर हमने पैदा कर दिया तो जी हाँ वो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगा। तो सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, ये बताया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस समय सारे जो आपके CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होना है, ऐसे में हमारी वेबसाइट को आप प्रेफर कर सकते हैं आप अपने प्रैक्टिस के लिए, learningtime.com, ठीक है, आप इसे प्रेफर करिए। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा 150 मार्क्स का, यहाँ पर और भी मॉक टेस्ट 1 से 2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे, और एक लर्निंग टाइम आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन, मतलब आपका हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, आप वहाँ से भी टेस्ट ले सकते हैं फ्री में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर टेस्ट लेते हैं वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हॉल में लैपटॉप या डेस्कटॉप ही मिलेगा, समझ रहे हो आप। तो उसके लिए आपको learningtime.com इस वेबसाइट को ओपन करना होगा और यहीं पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी सीटेट वाले कैटेगरी में जा करके। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, चूँकि फ्री का टेस्ट है तो उसे आपको ज़रूर देना चाहिए। एक पाठ्य पुस्तक हो गया ये आपका। कहते हैं कि एक व्यक्ति कार्यकुशल अध्यापक हो सकता है, वह अध्यापक अध्यापकों के परिवार से हो, BEd की डिग्री हो, जीवन में नैतिक मूल्य हो या प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित कर सके। अब बताइए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शिक्षक है, उसका काम है शिक्षा देना, और ऐसे में अगर शिक्षण प्रक्रिया को वो सही तरीके से व्यवस्थित कर पा रहा है तो हमारा काम हो जाएगा। यानी आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक अध्यापक कक्षा में शिक्षा दे रहा है या शिक्षण प्रदान कर रहा है लेकिन वहाँ बहुत शोर हो रहा है, ऐसे में संभावना क्या है। संभावना ये है अध्यापक द्वारा बोला गया सुन नहीं पा रहे हैं, विषय वस्तु में संबंधित कुछ भी भ्रांति है, प्रभावशाली रूप से विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में असमर्थ है। जी हाँ, मैं तो यही मानूंगा कि प्रभावशाली रूप से जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ा नहीं पा रहा है। पूछोगे सर जी क्यों, ऐसा क्यों, देखिए अगर टीचर सही तरीके से पढ़ा रहा होता, अगर मैं आपको सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो स्किप बिल्कुल से नहीं करोगे, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लास्ट तक देखोगे। आपको लगेगा अरे छोड़ो कोई फ़ायदा नहीं, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, केवल आंसर बता करके आगे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट है, आप क्यों रुकोगे। अगर क्लास में टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है तब तो वहाँ शोर होना ही नहीं चाहिए, अगर रुचि पैदा कर पा रहा है बच्चों में तब तो शोर होना ही नहीं चाहिए। तो बस मैं यही मान के चलूँगा, हम यही मान के चलेंगे कि विषय वस्तु को सही तरीके से पेश नहीं कर पा रहा है, उसे थोड़ा तरीका अपना बदलना पड़ेगा। प्रभावशाली शिक्षण में कर्मों का प्रभाव हो सक्ता है, कैसा, अध्यापक के व्यक्तित्व का छात्र के अनुशासनात्मक व्यवहार स्पष्ट एवं त्रुटिहीन संप्रेषण या अध्यापक के शैक्षणिक अनुभव की इन्होंने बात की हुई है। क्रमिक प्रभाव हो सकता है प्रभावशाली शिक्षण की, अगर हम यहाँ से बात करें तो अध्यापक के शैक्षणिक अनुभव का क्रमिक प्रभाव की यहाँ पर इन्होंने बात की हुई है। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। कहते हैं यदि आपकी कक्षा के छात्र गलत व्यवहार करके मनमानी कर रहे हैं आप उनको क्या करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है आप टीचर हैं, प्राचार्य के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नाराज़ होकर के चले गए तो बच्चों को देखेगा कौन। आपको तो सांवेगिक रूप से स्थिरता रखनी है, अपने आप में बहुत स्थिर रहना है नहीं, गुस्सा नहीं करना, वो सारी चीज़ें सजा दे देंगे क्यों भाई। आप एक काम करेंगे उनकी गलती का एहसास कराएंगे कि बेटा ये चीज़ें सही नहीं हैं, बेटा ये चीज़ें सही नहीं हैं। दोस्त आगे चलते हैं, हम आजकल विद्यालय उपलब्ध नहीं कराते हैं शारीरिक शिक्षा, नैतिक, व्यावसायिक या नैतिक या तकनीकी शिक्षा, इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है और आप अलग अलग आंसर लगा देते हैं। तो विद्यालय उपलब्ध नवाडेज स्कूल डू नॉट प्रोवाइड, क्या नहीं प्रोवाइड कराते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बता दूं ये जो वोकेशनल एजुकेशन लिखा हुआ है, व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कहते हैं ना भैया उन्होंने ITI कर लिया, उन्होंने डिप्लोमा वाला कोर्स कर लिया, अब वो ये कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बाद के आती हैं, मतलब बाद में हम इनका जो भी चीज़ होता है, जो नॉलेज होता है, जो एक
जो भी चीज़ें हैं वो बाद में हम कहीं ना कहीं ग्रहण कर रहे होते हैं, पहले व्यावसायिक शिक्षा नहीं होती। तकनीकी शिक्षा, आप टेक्निकल नॉलेज बोलोगे, सर टेक्निकल नॉलेज कैसे, क्यों भाई छोटे क्लास में बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है कि नहीं, वो क्या एक टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। तो तकनीकी वाले माध्यम से जो शिक्षा हो रही हो या तकनीकी के माध्यम से जो आप शिक्षा शिक्षित कर रहे हो बच्चों को, वो आपकी तकनीकी शिक्षा में चली जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। 22nd में कहते हैं अपने शिक्षक अपने शिक्षण से अध्यापक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर लिखा है अच्छे नागरिक विकसित करना, या अच्छे नागरिक को हम ऐसे में क्या कर सकें, विकसित कर सकें। तो सबसे बढ़िया हमारा आंसर जो है वो हमें यही देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं हम आपको लेकर के 23 में कहते हैं कि कक्षा में अपने छात्रों के प्रति अध्यापक की कैसी मनोवृत्ति होनी चाहिए, हो स्वभाव हाव भाव व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो लिखा है सभी छात्रों के लिए समान दृष्टिकोण, समान नहीं ये समान दृष्टिकोण है। तो हमारे लिए इससे बेस्ट और क्या हो सकता है बताइए, कि सभी को एक साथ में लेकर के चलना, इंक्लूसिव एजुकेशन, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो सही जवाब हैविंग ए कॉमन अप्रोच टू ऑल स्टूडेंट्स, हमारा आंसर जो है वो यही हो जाएगा। आगे है आपकी कक्षा का एक छात्र बार बार परीक्षा में असफल होता है, ऐसे में आप क्या करोगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उसे मदद करेंगे जिस विषय में उसको ज़रूरत होगी। आप भला बुरा कहेंगे, प्राचार्य सलाह देना, ध्यान नहीं देना, ये सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर बच्चा कमज़ोर कहाँ है, उसे हम पहचानेंगे और उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्या क्या बोला है इन्होंने, सामाजिक विकास पर, संवेदना के विकास पर, बालक के विकास के सभी आयामों की बात की हुई है, या कार्य की मान्यता को लेकर के इन्होंने बात की है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को लेकर के बात करें, लिखा है बालक के शैक्षिक नैतिक शारीरिक मानसिक सभी आयामों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि ऑन ऑल डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, आप समझ रहे हैं। सही जवाब हमारा तीसरा हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, गणना की क्षमता विकसित करना। चूँकि प्राथमिक स्तर है, प्राइमरी लेवल है, तो क्या है गणना की क्षमता, डेवलप द एबिलिटी टू कैलकुलेट। सबसे पहले तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। LCM HCF निकालना बाद की बात है, पहाड़े याद करना और बाद की बात होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर गणना कैसे करते हैं, बेटा आपके पास एक आम था, रमेश के पास एक आम था, दिनेश एक आम और ले आया, अब दो आम कितने, दोनों अब जब दोनों को एक साथ में रखेंगे तो बेटा कितने आम हुए, वो दोनों एक साथ में आए तो कितने आम हुए, कुछ इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना। तो ये चीज़ यानी गणित की क्षमता को विकसित करना, ये सबसे सही रहेगा। ऐसी संभावना है कि आप अपने स्कूल के पाठ्यक्रमोत्तर गतिविधि में हिस्सा लेंगे, आप स्कूल पहुँचेंगे। पाठ्यक्रमोत्तर का मतलब होता है को करिकुलम एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं, आप समझ रहे हैं, पाठ्य सहगामी जो गतिविधियाँ होती हैं हम उसकी बात कर रहे होते हैं। 27 की अगर हम यहाँ से बात करें तो पाठ्यक्रमोत्तर गतिविधि में हिस्सा लेंगे, आप स्कूल पहुँचेंगे। तो बिल्कुल सही है दोस्त कि आप उसमें शामिल हो, तो आपको ऑन टाइम पहुँचना है। तो इसमें जो बाई टाइम करके लिखा हुआ है वही हमारा सही जवाब होगा। एक प्रभावशाली व विश्वस्त अध्यापक हमेशा रहता है, परेशान लापरवाह सतर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परेशान और लापरवाह ये दोनों ही नेगेटिव हैं, किसके लिए, एक प्रभावशाली और विश्वस्त अध्यापक के लिए। तो सबसे बेस्ट जो होगा वो क्या होगा, सतर्क रहना, उसका अलर्ट रहना। नेक्स्ट, आपका एक अध्यापक में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने हेतु क्या जरूरी है, अगर वो चाहता है लीडरशिप की जो कैपेसिटी है वो देखने को मिले, तेज आवाज़, रोचक व्यक्तित्व, तो बुद्धि है और सामाजिक परिपक्वता बोला हुआ है। तो सबसे जो बढ़िया चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो सामाजिक परिपक्वता। कारण क्या है इसके पीछे, इसके पीछे कारण क्या है, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं, क्योंकि समाज में, क्योंकि सामाजिक गुणों में ही एक गुण होता है नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व करना, लीडरशिप किसका करोगे, नंबर ऑफ पीपल का ना, लोगों का, बच्चों का। तो वो चीज़ें जो है ऐसे में देखने को मिलने वाली हैं। 30 नंबर में क्या है, आपके अनुसार कक्ष अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या है, मुख्य जिम्मेदारी क्या है, अनुशासन बनाना, छात्रों के बीच मेल जोल, मेंटेनिंग हार्मनी अमंग द स्टूडेंट्स। सबसे बढ़िया चीज़ यही है, समावेशी कक्षा है, समेकित कक्षा है, सभी को साथ में लेकर के चलना है हमें। तो ऐसे में इस चीज़ का हमें बेहद ध्यान रखना है। learningtime.com ज़रूर विजिट करें। लर्निंग टाइम एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप साइन अप करेंगे पहले, फिर साइन इन करेंगे और उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट को। आउट ऑफ 30 हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव करेक्टेड, कितने आपने सही किए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा।
मेरे लिए कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो भी आप ज़रूर मेंशन करें। कल से टाइमिंग्स लाइव क्लास की हम आपको बता देंगे और उस टाइम पर फिर हम आपको मिलते रहेंगे इन पर्टिकुलर क्लासेस को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।